हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम राठौर और आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों किसी भी स्टेटर में पेपर लगाने का है। यह देखिए दोस्तों, यह एक 6 सूद पुलर मोटर का स्टेटर है जिसमें कि हम पेपर लगाना सीखेंगे। तो यह 7 नंबर पीवीसी पेपर है जिसको कि हम इस स्टेटर में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक टुकड़े को इस प्रकार मोड़कर स्टेटर की स्लॉट में लगाकर देखते हैं और उसकी साइज को देखकर हम इस प्रकार कैंची की मदद से पेपर को काट लेते हैं। और अब हम दोबारा इसको स्टेटर की स्लॉट में लगाते हैं तो देखिए दोस्तों, पेपर थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा और काटेंगे। काटने के बाद हम फिर इसको दोबारा लगाकर देखेंगे और यह देखिए दोस्तों, अब हमारा पेपर स्लॉट के बीच में अच्छी तरह से आ गया है। तो अब हम इसके दूसरी तरफ को इस प्रकार उंगलियों की मदद से मोड़ेंगे और अंगूठों की सहायता से इस प्रकार हम इसको अच्छी तरह मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद अब हम इसको दोबारा स्टेटर में लगाते हैं तो देखिए दोस्तों, यह अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम दूसरी ओर इतनी ही साइज जितना कि हमने दूसरी ओर मोड़ा है ध्यान में रखकर कैंची की सहायता से पेपर को काटेंगे। तो इस प्रकार हम पेपर को काट लेते हैं। अब हम इसी नाप पर कैंची की सहायता से पेपर को काट लेते हैं इस प्रकार। और अब हम इसको दोबारा स्टेटर में लगाकर देखते हैं कहीं हमारा पेपर छोटा या बड़ा हो जाता है तो हम इसको दोबारा काटेंगे। काटने के बाद यह हमारी साइज बिल्कुल स्टेटर के अनुसार आ जाती है और हमारा पेपर स्लॉट में आसानी से लग जाता है। तो यह हमारा फ्रेम हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस फ्रेम के आधार पर हम और भी पीवीसी पेपर को काटेंगे। इस स्टेटर में हमारी 24 स्लॉट हैं तो हमें 24 पेपर काटना होगा। तो हम पेपर को दो प्रकार से काटेंगे। तो सबसे पहला तरीका, इस प्रकार हम पीवीसी शीट पर फ्रेम को रखकर चाकू की सहायता से पेपर को काटकर इस प्रकार मोड़ते हैं।
तो इसको हम एक कैंची की सहायता से और अच्छी तरह मोड़ देते हैं ताकि हमारा पेपर अच्छी तरह से कट जाए, और चाकू को हम इस प्रकार रखकर चलाते हैं तो यह पीवीसी सीट आसानी से कट जाती है। इसी प्रकार हम फिर से इसको मोड़ते हैं और दोबारा हम चाकू की सहायता से इस पीवीसी सीट को फ्रेम के अनुसार काट सकते हैं। यह बहुत ही आसान तरीका है पेपर लगाने का। जो दोस्त इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आना चाहते हैं, यह वीडियो उन लोगों के लिए है। अब हम इसका दूसरा तरीका लगाना सीखेंगे। यह देखिए दोस्तों, फ्रेम को हम इस प्रकार पीवीसी सीट पर रखते हैं और एक पेन से निशान लगा लेते हैं, और इसी प्रकार हम दूसरी ओर भी निशान लगा लेते हैं। अब हम दोनों निशान पर एक स्केल को रखकर लाइन खींच लेते हैं और इसी लाइन पर हम कैंची की सहायता से काटकर पेपर को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार भी हम पेपर को आसानी से काट सकते हैं और पीवीसी सीट आसानी से स्टेटर की स्लॉटों में लगा लेते हैं। तो चलिए अब हम इसी प्रकार सभी पीवीसी सीट को काट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पीवीसी सीट को इस प्रकार काट लिया है और अब हम इसके फ्रेम साइज को भी जल्दी से काट लेते हैं। इस प्रकार हम 24 हमारी स्लॉट हैं तो 24 पेपर काट कर अलग अलग कर लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमने पेपर काट लिए हैं। अब हम दोनों उंगलियों की मदद से अंगूठों की सहायता से इस प्रकार पेपर को मोड़ते हैं। इसी प्रकार दूसरी ओर भी पेपर को इस प्रकार मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद कैंची से हम पेपर को अच्छी तरह दबा देते हैं ताकि हमारा पेपर अच्छी तरह स्लॉट में सेट हो जाए। यह देखिए दोस्तों, हमारा पेपर काफ़ी अच्छा स्लॉट के अंदर लग गया है। इसी प्रकार हम स्टेटर की सभी 24 स्लॉट में पेपर को लगाएंगे। इस प्रकार यदि आप किसी भी स्टेटर में पेपर लगाएंगे तो आपके पेपर सही और तरीके से स्टेटर में लग जाते हैं। यह पेपर लगाने का बहुत ही आसान और सरल तरीका है। यह देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम स्टेटर में सभी पेपर को लगा लेते हैं। तो मैंने सभी पेपर को स्टेटर में लगा लिया है। यह देखिए दोस्तों, हमारे पीवीसी सीट पेपर स्टेटर में अच्छी तरह सेट हो गए हैं। वीडियो आज की इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।